नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के बड़े डाकखाने पर हुआ भीषण एक्सीडेंट जिसमें एक की हुई मौत। खबर यूपी के फिरोजाबाद से। बता दें कि फिरोजाबाद के सुहाग नगर के बड़े डाकखाने के पास दो फ्रेंड स्कूटी सवार का भीषण एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्राची जैन पुत्री सुनील कुमार जैन जो कि गांधीनगर गली नंबर 1 की रहने वाली थी, सुहाग नगर बड़े डाकखाने के पास जिसका कल एक्सीडेंट हुआ और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं साथ में प्राची जैन के साथ उनकी दोस्त प्राची शर्मा जो कि एक्सीडेंट के समय गाड़ी चला रही थी, उसने सुनील कुमार जैन को बताया कि उनका एक्सीडेंट फिरोजाबाद के सुहाग नगर बड़े डाकखाने पर हुआ और वह आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल लाए, जहां पर डॉक्टर ने सिटी स्कैन कराया और सर में क्लोडिंग ज्यादा होने के कारण आगरा रेफर कर दिया। इसी बीच बता दें कि आगरा ले जाते समय बीच रास्ते में ही प्राची जैन ने दम तोड़ दिया, जिससे परिवारी जनों में कोहराम मच गया और फिर शव को फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। खास रिपोर्ट देखिए फिरोजाबाद से ऋषि पंडित के साथ। क्या नाम है आपका? कौन थी आपकी जिसका एक्सीडेंट हुआ? मैं सुनील कुमार जैन बोल रहा हूँ। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है कल, मुझे जानकारी हुई है शाम को 4:45 बजे करीब, जो कि इसकी सहेली के साथ गई थी। ये उसकी सहेली बता रही है कि वो सही सलामत थी, उसके थोड़ी चोटें आई हैं। बेटी का एक्सीडेंट हुआ तो स्पॉट पे ही बेहोश थी वो। सहेली का फोन लगाया होगा तो नहीं पहुंचा वहाँ पे। अच्छा, घटना कहाँ की थी? वो बता रही, जब मैंने उससे पूछा मुझे बाहर के गेट पे मिली है, मैंने बेटा क्या हुआ, ये कैसे क्या हो गया है, तो बोली कि अंकल जी एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहाँ हुआ है? बोले स्वागनर डाकखाने वाली रोड पर एक गाड़ी के ने ब्रेक लगा दी भिड़ गई वो हमसे स्कूटी से। मैंने गाड़ी कौन चला रहा था? बोली कि मैं चला रही थी वो गाड़ी। उस टाइम उसने मुझसे बाहर खड़ी थी ये बोला, और वो उसकी चोटें थी हल्की सी, पैरों में लड़खड़ा रही थी वो, लेकिन इसको होश ही नहीं आया उस स्पॉट से। जब से कोई इसे लेके भी आया था हॉस्पिटल, 10-15 मिनट खड़ी रही ये, तो अंदर ट्रीटमेंट चालू हो गया। हम लोगों को पता ही नहीं चला था, 1 से 1.5 घंटे ये ट्रामा में ट्रीटमेंट चला है इसका। घर वालों को मालूम होगा बाद में, या तो डॉक्टरों ने कहा होगा इसकी सीरियस हालत ले जाओ, और सहेली के घर वाले वहाँ पे थे मौजूद। आपको कैसे पता चला फिर? हमें सहेली जो खुद गई थी ना, जब उसका फ़ोन नंबर इसने ट्राई किया, एक तो इसका हमारा नंबर लगाया, बोले मैंने नंबर लगाया लेकिन उठा नहीं है, लेकिन फिर नहीं उठाया तो ये फिर घर पे गई है अपने भाई के साथ स्कूटी से। जो सहेली घायल हुई थी वो घर पे गई, हमारे घर से हमारे बड़े भाई साहब ऑफिस में था, मैं तब मेरे पास फ़ोन पहुँचा। ऐसे फिर हम लोगों का आना शुरू हुआ, जैसे ही आए उठा के ट्रामा से सीधे डॉक्टर साहब ने वहाँ सिटी स्कैन किया, क्लॉट बहुत भर गई थी, उसमें ब्लड चल रहा था अंदर ही अंदर, बता रहे सिटी स्कैन के हिसाब से इनको ले जाओ आगरा। हमने दिल्ली के लिए कहा कि एक ऐसा ट्रीटमेंट दे दो, बोले दिल्ली नहीं पहुँच, दिक्कत हो जाएगी दिल्ली में, आगरा ही चले जाओ तुम। आगरा ले जाने लगे, अब रास्ते में पता नहीं